आज पूरा देश विश्व तंबाकू निषेध दिवस मना रहा है। इसी श्रृंखला में नागपुर शहर के आरएसटी कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में शहर के आरएसटी कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर नागपुर की ओर से जन जागृति के लिए रैली का आयोजन किया गया था। साथ ही अस्पताल सभागृह एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस समय तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों के सुरक्षा विषय पर डॉक्टर जूही मालवीय का व्याख्यान रखा गया था। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से निदेशक डॉक्टर करतार सिंह उपस्थित थे। 1984 का दिन था, मई का दिन था, और जब ये स्थापना हुई नो टोबैको डे की, आज ये इस बात को मद्देनजर रखते हुए हर साल हम ये डे मनाते हैं। 38 मिलियन लोग आज इस टोबैको के शिकारी हैं और कम से कम 2.5 मिलियन लोगों की डेथ कैंसर से होती है क्योंकि वो लोग टोबैको का सेवन करते हैं। मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि अगर ये टोबैको एक घातक बीमारी है तो उसे हमें इसी समय छोड़ना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ, यहाँ देखता हूँ मेरे मरीजों को और मैं अनुभव करता हूँ कि जिस तरह से उनके रिश्तेदार हुए अपना घर बार बेच देते हैं और इस बीमारी जो घातक बीमारी को उनको भी सहन करना पड़ता है। इसलिए जिंदगी बचाओ, टोबैको हटाओ। कैमरा पर्सन अजित कुर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।